लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जानी जानी कहाँ रह गई चाय? बाबा साहब कब से वेट करें? आ गया चाय लेके। ये ले बाबा साहब आपकी चाय। जरीना तुम भी पियो, क्या याद करोगी? बाबा साहब ये ले, आप खाए ना, कुछ खाते ही नहीं, आप तो इतने कमजोर होते जा रहे हैं। अरे शुगर में कहाँ बंदा इतना खा सकता है। अरे बाबा मेरे को शुगर किधर है? फिर ब्लड प्रेशर तो होगा आपको। अरे नहीं बाबा ब्लड प्रेशर भी नहीं है। टीबी फिर है आपको? अरे नहीं है ना टीबी भी मेरे को। अरे अल्लाह ना करे, पागल हो गए क्या? मेरे बाबा साहब को कोई टीबी भी नहीं है। ये रात को इतनी बदतमीजी से कौन खा रहा था? बाबा वो रात को मुंह खुला हुआ था तो मच्छर चला गया था बाबा। बाबा साहब तो आप रात को मुंह खोल के सोते? हाँ बाबा रात को मुंह में खोल के सोता हूँ। देखिए मुंह बंद करके सोया करें, अगर बिल्ली बच्चे दे गई तो? भाई इतना भी बड़ा मुंह नहीं है कि बिल्ली बच्चे देना शुरू कर दे मेरे मुंह में। खैर मुंह तो बड़ा है। याद करें वो जो हम चश्मे की दुकान पे गए थे है ना, तो दुकानदार ने आपका मुंह देख के गाड़ी की हेडलाइट लगा दी। जानी तुम क्या बाबा साईं का मजाक बना रहे हो? बना तो मालिक रहे, मैं तो बस जरिया हूँ। ओहो जरीना छोड़ो ना, इन दोनों का तो चलता रहता है आपस में। अच्छा भला छोड़ो, ये अदा क्यों अभी तक सो रहा है, आया क्यों नहीं है? ओहो भाई वो सो रहा है, थक गया है, क्या हो गया तुम्हें? क्या करके? आराम करके। आराम करके नहीं थक सकता कोई? देखो बाबा साईं अदा पे तंज कर रही है। तंज तो कर रही है, सिफली तो नहीं कर रही ना? अरे बाबा वो तो पहले से ही कर चुकी है। ओ, जानी मैं ऑफिस जा रही हूँ एक काम से, तुम्हें काम करना, अगर बच्चू सो के उठे उसको बोलना वापस सो जाए, वैसे भी कौन सा उसने कोई काम करना होता है। मैं जा रही हूँ। बड़ी आई ऑफिस वाली, बड़ी ऑफिसर है, ऑफिस से जा रही हूँ। बाबा ऐसा नहीं बोलते, तुम नहीं बोला करो कम से कम। बोलने दे, नंद का काम ही है गंद करना। अरे क्या हो गया भला जानी, तुम्हारे साथ मसला क्या है, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो तुम। हाँ नहीं, पैसे आपने क्योंकि दे दिए थे ना तो वो तो वक्त पे पहुंच गया। नहीं, अब नहीं, वो ट्रांसपोर्ट के मसले भी हल हो गए, इंशाल्लाह सर पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है सर, ओके भैया लास्ट। अरे बाबा जानी क्या कर रहा है यार, तुम्हें नहीं देख रहा है कि हम सो रहा है यहाँ पे? बच्चू भाई ये भी कुछ सोने का टाइम है, उठे भाई। अरे जानी बाबा एक ख्वाब देख रहा था बड़ा अच्छा, वो भी तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? अच्छा बताओ क्या दिखा? बाबा एक बहुत बड़ा बैग है तुम्हारे हाथ में, उसमें करोड़ों रुपया है बाबा। आराम से, मेरा दिल बहुत कम। अच्छा फिर? हाँ बाबा फिर उसके बाद उस बैग को लेकर तुम गए और एक लंबी काली गाड़ी में बैठे। BMW होगी बाबा। इतनी तो तुम्हारी औकात नहीं है, छोटी कर लो थोड़ी। खाब है तो चलता है सब। फिर? अरे बाबा उसके बाद तुम जो है ना उस गाड़ी में अपनी एक दोस्त को बिठाता है। दोस्त? फिर? उसके बाद बाबा तुम रोड पे निकल पड़ता है। सीव्यू? नहीं बाबा, सीव्यू नहीं बाबा, हाईवे पे जाता है, हाईवे पे। अच्छा फिर? हाँ बाबा उसके बाद तुम जैसे ही टोल प्लाजा पे पहुंचता है तुम्हें पुलिस पकड़ लेती है। वो क्यों? बाबा फिर क्या, गाड़ी भी चोरी की, पैसे भी चोरी के। बाबा पुलिस गाड़ी और पैसों को अपनी तहवील में लेती है और तुम और तुम्हारी दोस्त रक्षे में बैठकर घर आ जाते हैं। अरे बाबा शुक्र करो कि तुमने मुझे जल्दी उठा दिया, वरना अभी तो तुम्हें जेल भी जाना था। लानत भेजता हूँ मैं उसे खाप पे। आधा ये पता नहीं दरवाजे पे कोई आया और मैडम मेरा मतलब भाज जाई सीमा का पूछ रहा है। अरे बाबा कौन है जो सीमा का मेरे घर में पूछ रहा है? अरे बाबा मुझे क्या पता कौन है, बार बार बेटी बेटी बोल रहा है। ऑफिस से तो कोई नहीं आया बाबा, लग तो मुझे कोई ऑफिसर ही रहा है। जाओ जानी देखो कौन है बाबा, मैं मुंह धोकर आता हूँ। फर्क फिर भी नहीं पड़ना यार, ये सीमा ने ना बहुत ही बदतमीज नौकर रखा है घर में। के तो भला सही रहा था यार, हर वक्त बिजी रखा हुआ, इतने अच्छे मौसम में भी मैं काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है आप? वालेकुम सलाम, मैं हूँ इंस्पेक्टर राव। ये नहीं कहोगे कि अंदर आओ? अंदर ही तो है ये, मैं अंदर हूँ, मैं समझा बाहर हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, किसी ने अब तक ना मुझे चाय का पूछा ना पानी का, इस तरह करते हैं आप लोग मेहमानों के साथ। अरे क्या हो गया, अभी तो आप आए,
और इतना बड़ा मुंह और इतना बड़ा झूठ जाने। अरे ओ, 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 अरे बाबा आप कौन है? मैं हूँ इंस्पेक्टर राव, सीमा का अंकल। क्या सीमा ने नहीं बताया आपको? नहीं बाबा, मेरे को तो नहीं पता। वो क्या खाक बताती? मैं बताकर थोड़ी आया हूँ उसे। तो आपकी गलती है ना फिर? जबान लड़ाता है, जवाब देता है, अंदर कर दूंगा बगैर जुर्म के। पहले मंशियात रखूंगा फिर अंदर करूंगा। बगैर जुर्म के हम किसी को अंदर नहीं करते भाई। अरे पापा, क्या आप पुलिस में हो? कम सुनती हो क्या है? अभी तो बताया इंस्पेक्टर राव। चलो अब कुछ खिलाओ। अरे बाबा मैं क्यों खिलाऊं, मैं क्या भला नौकर हूँ? तो फिर नौकर कौन है? मैं नौकर हूँ। मेरा नाम है इंस्पेक्टर राव। चलो अब जाओ चाय लेकर आओ। चाय अभी बनी नहीं है। मैं हूँ इंस्पेक्टर राव। चलो अब चाय बनाओ। ये सीमा कहाँ है? सीमा तो भला किसी काम से बाहर गई हुई है, जैसे ही आएगी तो मैं आपकी मुलाकात करा दूंगी। मैं हूँ इंस्पेक्टर राव, सीमा को जल्दी से फोन लगाओ, मैं आया हूँ। बताओ भाई एक बात बताएं, आपको खुद यकीन नहीं है कि आप इंस्पेक्टर रॉय? बार बार क्यों बता रहे हैं रॉ रॉ? अजीब कान मेरे हो गए हैं भैया। आप अंदर जाएं, मैं अभी बना के लाता हूँ। लापरवाही की भी हद होती है। आखिर ये गामा भागा कैसे है? नफरी बढ़ा दो, नफरी बढ़ा दो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे गामा हर हाल में चाहिए। अरे अंकल आप कब आए? ना कोई फोन ना कोई इतना बता दो देते। सीमा बेटा मैं यहाँ पर एक मिशन पे आया हूँ, किसी की तलाश है मुझे। मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ, सोचा सीमा बेटी से भी मिलता चलूं। अरे अंकल ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। अरे बाबा सीमा तुम कहाँ? अरे ये कौन है सीमा? बच्चों ये मेरे अंकल हैं इंस्पेक्टर राव, तुम्हें इनके आने का पता ही नहीं चला? अरे नहीं बाबा अभी तो सो कर उठा। सीमा बेटा ये भी नौकर है? है? नहीं नहीं अंकल ये शौहर है मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो नौकर ही हुआ ना। अरे अंकल क्या बात करते हैं आप बाबा, मैं बहुत खुददार हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ बाबा। बच्चों तो क्या हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हैं क्या? अरे बच्चे तुम्हें पता है मेरे जो अंकल है ना इंस्पेक्टर है, और बहुत बड़े इंस्पेक्टर है। मेरा नाम है इंस्पेक्टर राव, अब तुम अपना तारुफ कराओ। अरे बाबा अंकल अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो, ना टावर ना सदर ना गुलशन ना जहर, मैं हूँ बच्चू सीमा का शौहर। वाह अंदाज तो बहुत अच्छा है, खूब जमेगी हमारी। अच्छा अंकल ये बताएं चाय वाय पी आपने कि नहीं? बेटा किसी ने पिलाई नहीं है आपको अभी तक? चाय नहीं पिलाई? बच्चू ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जानी ने इनको, मैं अभी जानी को बोल के आती हूँ। बच्चू तुम अंकल को लेके अंदर जाओ। जानी बाबा मारना नहीं जानी को। अंकल आपका नाम है इंस्पेक्टर राव, बाबा मेरे पीछे आओ। अंकल राव ये चीनी ठीक है चाय में? चाय तो बहुत अच्छी थी, क्या आपने बनाई है? नहीं मैंने नहीं बनाई। फिर अच्छी नहीं है? क्या मतलब? अरे मतलब को छोड़े, ये बताएं कि आप यहीं रहती हैं? अरे जाहिर सी बात है बाबा, मेरे अदा का घर है तो मैं इधर ही रहूंगी ना। अरे बाबा जरीना, ओ जरीना। जी बाबा। अरे बाबा जरीना तुम इधर बैठे है। गामा तू? गामा? अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सारी गामा पादार, आप गाने वाले हैं क्या? तू यहाँ कैसे? मैं तो रहता ही यही हूँ। गामा डाकू खबरदार, जो अगर तुमने भागने की कोशिश भी की। नहीं बाबा नहीं नहीं, मुझे गुर्दे में तकलीफ है, डॉक्टर ने भागने से मना किया है ना मुझे यार। ओए ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी ही तलाश थी। क्यों भाई, मैं आपसे कोई मोटरसाइकिल किस्तों पे लाया हूँ क्या? अरे अंकल ये मेरा बाबा साईं है। ओ सारी फैमिली को लेकर आया है, हैं? खबरदार जो अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की। अरे बाबा हिलूंगा नहीं तो मैं खुजाऊंगा कैसे यार। अच्छा ये बता तू जेल से भागा कैसे? बाबा मैं जेल गया ही कब गया यार। अपनी बेटी के सामने मासूम बन रहा है, हैं? 200 डकैतियां, 100 कत्ल और 11.5 अगवा का केस है तुम पर। 11.5? अरे भाई 11 आदमी थे, उसमें एक बच्चा भी था, हो गए 11.5। अरे बाबा आपको कोई गलत फहमी हुई है? नहीं 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 नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हाँ अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आओ। अरे अरे आ जाओ तुम इधर। रुको बे, आधा बच्चू को बुला के ला। आधा बच्चू से बचकर नहीं जा सकते। खट्टा मीठा खट्टा मीठा।
अरे बाबा जाकर तुम अपने अंकल को समझाओ, उनको कोई गलत फहमी हुई है। ओहो बच्चों, मेरे अंकल एक SSP हैं, उन्हें गलती हो ही नहीं सकती। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाबा साई असल में डाकू और हमसे छुपाते हो। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, वो सिर्फ खाने पीने के डाकू हैं, वरना नहीं है बाबा। मुझे तो पहले ही शक था, अब अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहेंगी वो। यही कहेंगे वो देखो गामा डाकू की बहू जा रही है। मुझे तो पता है अजीब सी फीलिंग आ रही है, लग रहा है जैसे हम लोग सब लाजमी जेल में जाएंगे और बैठ के मैं वहां पे बैठ के चक्की पीसनी पड़ेगी। बेफिक्र होके आप लोग जाएं, 20 किलो का आटा पिसा हुआ मैं लेके आऊंगा, बेहतरीन क्वालिटी का। अरे बाबा चुप करो बाबा तुम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ऐसा हो गया है बच्चों, हम तुम्हारे बाबा को क्या समझते थे और तुम्हारे बाबा से क्या निकले। निकले नहीं है, इंस्पेक्टर ने बांध के रखा हुआ उनको। अरे बाबा उन्हें बांध के क्यों रखा है? रिमांड के लिए, रिमांड ले रहे होंगे। अरे बाबा रिमांड? हाँ। वो तो उनके पास नहीं है, कैसे ले रहे हैं? यार बच्चू भाई को ईंट मार दो मेरे सर पे, रिमांड खाने की चीज नहीं है। हाँ। कुट खा रहे हैं, पिटाई हो रही उनकी। हो फिर तो कबूल लेंगे फौरन। अरे बाबा जाओ जानी, देखो ना उनको तुम। नहीं नहीं नहीं, आपके अब्बू हैं, आप जाएं, आप देखें। नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों बच्चू? अरे बाबा मुझे डाकू का बच्चा समझकर पकड़ लिया तो? ऐसे नसीब हमारे का, फिर मतलब भरोसा करें अपने पे, भरोसा करें आप। नहीं बाबा भरोसा मुझे अपने आप पर तो है, लेकिन बाबा जानी पे नहीं, अगर वो डाकू हुए तो। जानी लेके जाओ। अरे बाबा बता बता, तूने जेवर कहाँ छुपा रखा है बता? कौन सा जेवर? कौन सा जेवर है? वही जो तूने लूटा था। अरे बाबा वो जेवर मैंने लूटा नहीं था, वो मुझे मेरे ससुर ने मुंह दिखाएगा मुझे दिया था बाबा। मैं उस जेवर की नहीं, लूटे हुए जेवर की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता ना। कौन कौन तेरे साथ मिला हुआ है बता मुझे। अरे बाबा कोई नहीं मिला, मैं बगे चीनी को, मतलब मैं अकेला ही हूँ। क्या मतलब? मतलब चलो साहब रुके, तरह रुके रुके, बच्चू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलो। नहीं बाबा आप मारो, आप मारो बाबा। बच्चू तुम अपने बाप को मारता हुआ देख रहा है? बाबा कोई बात नहीं, मैं मुंह उधर कर लेता हूँ, आप मारो। अरे बाबा बाप को पिटवा रहा है, कैसा बचा है ये? अरे बाबा सही, मैं पुलिस के कामों में दखल नहीं देता, और वैसे भी आपने मुझे बचपन में बहुत मारा है, आप पता लगा? अरे बाबा वो तो मेरे तेरे को तेरी भलाई की वजह से मारा था ना। आप भी भलाई के लिए पिट रहे हो बाबा, सच सच बताओ अंकल को। मुलाकात का वक्त खत्म होता है, मैं हूँ इंस्पेक्टर राव, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। बच्चों भाई चलें, इनको अपना काम करने दें। मुझे अकेला छोड़ के। चलो बला ठीक है, मेरे जितने भी कपड़े कुछ बच्चे कुछ है ना, मैं तुमको भेज दूंगी, इस्तेमाल करके मुझको वापस भेज देना, अल्लाह हाफिज। अरे भाई जरीना कैसी हो? अरे बाबा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे आए? अरे भाई जैसे हमेशा आते हैं ऐसे ही आ गए। भला किसी के घर में जाते हैं तो बंदा बता कर आता है ना। अरे भाई अब किसका घर, कहाँ का घर, ये तो अपना घर है, और अब तो बहुत जल्दी हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है। वो भला कैसे? बस बहुत जल्दी मैं आपके बाबा से आपका हाथ मांगने वाला हूँ। बाबा मैं हाथ नहीं दे सकती। क्यों? कितनी बुरी लगूंगी मैं एक हाथ में। आप समझिए नहीं। अरे भाई मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ पीले हो जाए। नहीं बाबा मैं तो अभी हाथ धो कर आई हूँ। ओहो भाई मैं आपको दुल्हन बनाना चाहता हूँ। क्यों भला, क्या आपने थाने में ब्यूटी पार्लर खोल लिया है? अरे भाई कैसे समझाऊं मैं आपको। अरे बाबा ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, भला ये बताओ कि आप क्यों आए हो? इंस्पेक्टर राव यहाँ पर हैं क्या, उन्होंने मुझे बुलाया था? अरे हाँ वो सीमा के अंकल राव दात ना, अब वो यहाँ पर आए, उन्होंने किसी डाकू को पकड़ा है। कौन सा डाकू? मौला दात। मौला दात? मौला दात तो आपका बाप है ना। अरे बाबा मेरे को क्या पता था मेरा बाप बड़ा होके ऐसा निकलेगा। अच्छा तो तुम एक डाकू की लड़की हो? पता नहीं, ये रिश्ता फिर नहीं हो सकता। कौन सा रिश्ता? आपका और मेरा। ये रिश्ता वैसे भी नहीं हो सकता, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा माफ कीजिएगा, चलो चलो जाओ यहाँ से। अरे बाबा मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग मुझे समझ रहे हो ना। बाबा सही, बिल्कुल सही कहा आपने, आप वो हो ही नहीं। वैसे अंकल इनको कितने साल की सजा होगी? 90 साल की। 90 साल बाबा? 90 साल में तो बाबा इनका इंतकाल बहुत पहले हो चुका होगा। तो कोई बात नहीं, मरने के बाद हम इन्हें केमिकल लगा के रख देंगे, और जब 90 साल पूरे हो जाएंगे तो हम इन्हें दफना देंगे। मैं हूँ इंस्पेक्टर राव,
बेग साहब आप चुप हो जाओ। अरे बेग साहब आप बताओ, आप तो मुझे जानते हो ना। नहीं बाबा नहीं, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं कुछ नहीं जानता। अब अंकल वैसे अब आप इनको जेल में कब डालेंगे? पहले इनसे सब उगलवाऊंगा, कहीं ये भाग गया तो। अरे बाबा कहीं नहीं भागेंगे, उसकी गारंटी मेरी है ना बाबा जी। राव साहब मेरे लिए फिर क्या हुक्म है? मुझे मालामाल कर दूंगा। ना बाबा ना, अगर मैं फंस गया तो इंस्पेक्टर राव मुझे कंगाल कर देगा। चुपचाप बंधे रहो। हाँ तो गामा। अरे बाबा कौन गामा है? गामा तेरा मामा। लेकिन बाबा मेरा तो कोई मामा ही नहीं है। तो मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं समझा, मामा दे रहे। बाबा जी क्यों अपने साथ हमें भी फंसवा रहे, कर लेना अपना जुर्म कबूल। अरे बाबा मैं कैसे कबूल करूँ, मैं गामा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हो नहीं है तो बन जाए ना, क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मुलाकात का वक्त खत्म हुआ, अब आप लोग जा सकते हो। अरे प्यारे बच्चों मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मारेंगे बस, मुझे मारेंगे। अरे बाबा कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ घोना पड़ता है, आओ उसी में चल। अरे किधर जा रहे हो? सुनो मैं हूँ इंस्पेक्टर राव। बेग साहब अब शुरू हो जाओ। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। हाँ बाबा किससे मिलना है? जी मेरा नाम राजू है। राजू तो एक किसान का नाम है। किसने का? किताब में लिखा था। कौन सी किताब? उर्दू की किताब में। भाई मैं उर्दू वगैरह नहीं पढ़ता कोई। तो बाबा फिर इंग्लिश में क्यों बातें कर रहे हो? हाँ? मैंने कब की इंग्लिश में बात आप? क्या इंग्लिश? अरे भाई जानी को बुला दें आप। नहीं कहाँ गए? घर में ही है। अभी तो आप गए थे घर पे? नहीं मजाक कर रही थी। आपका मेरा मजाक है क्या? नहीं तो। तो फिर क्यों किया मजाक आपने? बस मेरा दिल चाह रहा था। ओहो जानी को बुला दें। ओहो अरे भाई, अरे जरीना कौन? मुजम्मिल तुम? यार कब से वेट कर रहा हूँ, चल ले यार लेट हो रहे। जरीना तुम अंदर जाओ, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ। हाँ क्या हुआ? हुआ ना? हाँ ठीक है ठीक है, तू जल्दी से आ जाना मेरे पास बस। बाबा साईं आप बाहर कैसे निकले? कौन बाबा साईं? मजाक मत करे, ये बता छूटे कैसे? मैं छूटा नहीं, मैं भागा हुआ हूँ। अच्छा किया भाग के, हम का गलत समझ रहे थे आपको। तुम कौन हो भाई? मुझे भूल गए आप, गलती उनकी, नाराजगी मुझसे। वाह बस ये कौन है? ये सेठ साहब है हमारे, उनको भी साथ ले चले फिर। अबे यार तू तो जा, तू जा, मैं बाद में बात करता हूँ। चले सेठ साहब चलते हैं। कहाँ लेके जा रहे हो भाई? अरे घर चलते हैं, और कहाँ चलते हैं? मुझे किसी के घर नहीं जाना। अरे छोड़े सेठ साहब, नाराजगी होती रहती है, चले अंदर चलते हैं। अरे कैसे ही गलत है भाई? अरे वही जो सीमा के अंकल से हो गई है। कौन सीमा? लगता है चोट का असर दिमाग में पड़ा है, ज्यादा जोर से तो नहीं लगा था क्या? डंडा? अबे क्या डंडा अबे। घर चलते हैं, घर चलते हैं, यहाँ खड़े खड़े सारी बातें थोड़ी करेंगे, वरना पुलिस आ जाएगी। पुलिस? कहाँ है पुलिस? ग्राउंड पे है, किसी टाइम पे भी आ सकती है, है? अच्छा चले चले घर चलते हैं, आराम से बैठ के बात। बहुत कोशिश की मैंने लेकिन ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा। अब सब दूर दूर हो जाओ। क्यों, क्या छींटे आएंगी क्या? कामा मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सब सच सच बता दो वरना। मैं सच सच बोल रहा हूँ, मैं गामा नहीं हूँ। बच्चों अपने बाबा साईं को समझाओ ना कि अपना जुर्म कबूल कर ले। अरे बाबा इन्होंने पूरी जिंदगी अम्मा को कबूल नहीं किया, जुर्म क्या खा कबूल करेंगे। तो फिर ठीक है अंकल, आप एक काम करें, आप शुरू हो जाएं। ओके मैं हूँ इंस्पेक्टर राव। अरे 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 छोटे साहब रुक जाइए रुक जाइए, देखे मैं किसको लाया हूँ। अरे बाबा साईं, बाबा साईं, अरे बाबा साईं, अरे बाबा मैं इंस्पेक्टर साहब, ये है असली गामा। इतना बड़ा फ्रॉड? फ्रॉड? मैं तो तुम्हें बाहर देखते ही समझ गया था, यही है गामा जिसकी अंकल को तलाश है। क्यों इंस्पेक्टर राव? शाबाश जानी, तुमने तो ये कमाल कर दिया। अंकल बाबा साईं को खोल दूं क्या? नहीं अभी नहीं, पहले गामा को पकड़ो। बेग साहब जानी पकड़ो गामा को। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे। तुम हमें छोड़ नहीं रहे, हम तुझे क्यों छोड़े? बाबा साईं मैं आपसे माफी चाहता हूँ। वो तो ठीक है लेकिन मैं अपनी मार का बदला जरूर लूंगा। बाबा साईं किससे? अंकल राव से? नहीं नहीं
मैं गामा से बदला लूंगा। खोलो मुझे, मुझे खोलो बाबा, मैं गामा से बदला लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं गामा से बदला लूंगा। मैं हूँ इंस्पेक्टर राव। चलो भाई सब शुरू हो जाओ। अदा तुम्हारा साला पैदा हुआ है। अरे बाबा दिमाग तो ठीक है तेरा, कहीं पति वाला पान तो नहीं खाया तूने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किस किस बात करी हो तुम? क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कमर या लचकर, कमर में बहुत दर्द है जी। अरे पापा जानी कोई मसला ही नहीं है बाबा, अब मुर्गा बन जाए अभी सही हो जाएगा। वाह वाह वाह, फकीर होकर तुमने गर्लफ्रेंड बनाई भी है? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड ने फकीर बना दिया। बाबा मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी, अब क्या निकले? अरे बाबा मैं मोहल्ले वालों को मुंह क्या दिखाऊंगा? अब उन्होंने बच्चे भी उठाना शुरू कर दिए। अबे ये तो हमारे मोहल्ले को बदनाम कर रहे हैं यार। ऐसे जो साहब, मेरे पापा ना बिल्कुल ऐसे नहीं है। नदीम नाम है मेरा, नदीम ना, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, समझ आई है? तो मैं कौन सा असलम परवेज जी? अरे पापा जानी, ये फिल्म वाला नदीम नहीं है, ये SHO नदीम है। क्यों नदीम भाई? वो पुलिस वाले पापा से सब क्या पूछ रहे होंगे? पूछ कम रहे होंगे और मार ज्यादा रहे होंगे। नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जोनो कर वो जा कर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।